सो गाइस दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है पावर डायरेक्टरी के अंदर आप ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो या बोल सकते हो रेन ड्रॉप लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और जल्दी से हम अपना ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटिंग ऐप में। तो पावर डायरेक्टर पर आने के बाद सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को चूज कर लेना है और आप चाहो तो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हो। तो 9:16 के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना एक फोटो ऐड कर लेंगे। यहाँ से वीडियो से फोटो ऑप्शन को चूज करना है और जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो रखा हुआ है सिंपली उस फोल्डर को चूज करना है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरा जो पिक्चर है वो कहाँ पर है। लाइक मैं इस फोल्डर को चूज करता हूँ और यहाँ से मैं इस पिक्चर को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है सो आप चाहो तो अपना फोटो भी ऐड कर सकते हो या कोई एस्थेटिक बैकग्राउंड कुछ भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको इस कॉर्नर पे प्ले आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसका टाइम ड्यूरेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बड़ा कर लेना है। ठीक है उसके बाद आपको पेन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये जो पेन ऑप्शन इसके ऊपर, और यहाँ पर आपको आ जाना है फिट एंड फिल पर और यहाँ से सिंपली कर देना है फिल। फिल करने के बाद यहाँ से आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद आपको ये जो आइकन मिलता है इसका नाम है पिक्चर इन पिक्चर या PIP कह सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें वीडियो ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर एक इफेक्ट हमें ऐड करना है। सो इफेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। कुछ इस टाइप का इफेक्ट ये आप देख सकते हो। प्लस के ऊपर क्लिक करना है और इस कॉर्नर पर प्ले आइकन के ऊपर क्लिक करके आ जाना है पावर डायरेक्टर के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से जूम करके बड़ा कर लेना है, लाइक इस तरीके से। ठीक है सो बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, पेन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले इसका जो साउंड है वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करके म्यूट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपको राइट पे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देना है स्क्रीन। ठीक है सो स्क्रीन करने के बाद आप इसका ओपेसिटी यहाँ से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पर फोटो के साथ इसका टाइमलाइन एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर पेन के ऊपर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर लेना है स्प्लिट। सो स्प्लिट करने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी यहाँ से हमें अपना लिरिक्स ऐड करना है। सो अभी मैं आपको बताऊँगा कि इस तरीके लिरिक्स आप कैसे बना सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा लिरिक्स कुछ इस टाइप का है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके लिरिक्स बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लिरिक्स को ऐड कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो लिरिक्स हमारा आ चुका है। उसके बाद इस कॉर्नर पे हमें प्ले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको बड़ा कर लेना है इस तरीके से। सो पूरी स्क्रीन पर आपको इसे फिल कर लेना है लाइक दिस। देन आपको आ जाना है ये पेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देना है स्क्रीन। सो स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक और बैक आने के बाद फाइनली यहाँ पर हमारा लिरिक्स वीडियो बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ से हम इसका टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं हमारी फोटो के साथ। तो स्प्लिट कर लिया और डिलीट यहाँ से हमें कर लेना है। सो डिलीट के ऊपर क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आप यहाँ से अपना वीडियो को प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद आपको कुछ ऐसा ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग हमने वीडियो एडिटिंग कर लिया पावर डायरेक्टर के अंदर। तो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर म्यूजिक ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो लिरिक्स ऐड किया था ये वाला, सो इसके अंदर ऑलरेडी म्यूजिक है तो आपको यहाँ पर म्यूजिक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सो यहाँ पर मैंने आपको प्ले करके प्रीव्यू दिखा लिया। अभी हमें अपनी वीडियो को सेव करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेव टू गैलरी और SD कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमें फुल HD को चूज़ कर लेना है या आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हो। देन प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है, हमारी वीडियो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।